डेट से आते ही झनक क्यों बोली घर वालों के सामने अनी को दिल की बात। हम जानते हैं दोस्तों कैसे अनिरुद्ध और झनक गए हैं एक डेट पर। जी हाँ, दोनों भी डेट पर गए हैं। काफ़ी रोमांटिक सा मौसम हो चुका है, बारिश आ रही है और इसी के साथ साथ साइक्लोन और पता नहीं कौन सी नेचुरल कैलामिटीज़ की भी चेतावनियाँ दी जा रही है क्योंकि वेदर काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सब चल रहा है अभी झनक के सीरियल में। और अब उधर घर वाले पूरी तरह से तैयार है अनिरुद्ध का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। जी हाँ, अर्शी भी पहुँच चुकी है उसके घर वालों के साथ अनिरुद्ध का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब आखिर दोनों भी घर से बाहर है और घर वाले देख रहे हैं कि अनिरुद्ध भी अभी तक घर पर नहीं पहुंचा है और झनक भी न जाने कहाँ है। और उसी में बिपाशा ने भी देख लिया है कि कैसे झनक तैयार होकर घर से बाहर निकली है। अब ये सब चलते आखिर अब क्या क्या होने वाला है ये हम आपके पास सबसे पहले पहुँचाएंगे। लेकिन बस आपको हमारे साथ बने रहना है हमारे इस चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट हम आप तक ऐसे ही सबसे पहले पहुंचाए। तो दोस्तों, अब अनिरुद्ध और झनक वापस आ जाते हैं बोस हाउस में और सब लोग वहीं पर मौजूद है और देख लेते हैं कि कैसे दोनों साथ में घर वापस आए हैं। और बिपाशा को अब शक होने लगता है। बिपाशा को तो पहले से ही शक था लेकिन अब बिपाशा का शक सच में कन्वर्ट हो गया है और अब उसे पता चल गया है कि ये दोनों साथ में ही थे। अब इसी बात पर बिपाशा भी अब भला बुरा सुनाने लग ही चुकी है झनक को। बस इस बार झनक शांत नहीं रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, झनक ने भी आवाज़ उठाई और झनक ने पूरे घर वालों के सामने ये बात कबूल की है कि वो सच में अनिरुद्ध के ही साथ थी और वो अनी के साथ डेट पर गई थी क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे ये चीज़ उसके बर्थडे के गिफ्ट के इसमें मांगा था। जी हाँ, ये तोहफा अगर सर जी मांग रहे हैं तो मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि अब मैं भी यहाँ से चली जाने वाली हूँ। मैं भी श्रीनगर चली जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी, ऐसा बोला है झनक ने। और इसीलिए उसे ये बात काफ़ी सही लगी कि आखिर के कुछ वक्त वो अगर अनिरुद्ध के साथ बिता ले तो उसमें क्या ही हर्ज है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर पूरे घर वाले फिर से हो चुके हैं हैरान। लेकिन अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा है कि अभी झनक सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करने लगी है कि उसके लिए अनिरुद्ध क्या मायने रखता है। तो और क्या क्या होने वाला है ये हम आपको बताते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ बनी रहना है हमारे इस चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।